हेलो गाइस गुड इवनिंग दीपक हेलो विवेक गुड इवनिंग मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है आपको जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो हेलो दीपांकर हाय गुड इवनिंग चलिए तो जल्दी से सेशन को शेयर एंड लाइक कर दो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन आप लोगों के साथ सो गाइस केमिस्ट्री सीरीज चल रही है तो इसी सीरीज को आगे बढ़ा रही हूँ अन अकेडमी लाइव रेलवे हमारे चैनल का नाम है तो आप यहां पर मुझे डेली सेवन थर्टी पर ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को बस आपको शेयर करना है सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हो ठीक है हाँ जी सो गायस सेवन थर्टी मेरा डेली क्लास है ठीक है बहुत क्वेश्चन आए केमिस्ट्री से अच्छा दीपांकर ओके okay. हाँ तो जनरल साइंस है तो केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली तो आना ही आना है हेलो मेघा हाय गुड इवनिंग सो गायस आना अकेडमी पर मेरे ये दो प्लस कोर्सेज चल रहे हैं तो ये दोनों प्लस कोर्सेज एक रिविजन कोर्स है आपका जनरल अवेयरनेस का ठीक अच्छा, है अच्छा कॉन्फिडेंटली आंसर किए हैं वेरी गुड दीपांकर बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाया हुआ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है सेकेंड वन इज आ रिविजन कोर्स ऑन जोग्राफी का फुल लेंथ थ्योरी कोर्स है ठीक है गुड इवनिंग लोकेश हेलो डी एल स्टडीज़ हाई आई एम फाइन डी एल स्टडीज़ आप बताओ

इसके बाद आप मुझे साढ़े नौ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं सी ए की क्लास के लिए तो यानी यहाँ पर अभी मैं आपको दो फ्री क्लास दे रही हूँ अन अकेडमी पर ठीक है तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बस आपको अन अकेडमी को क्या करना है डाउनलोड करना है एंड देन फॉलो करना है वहां पर लॉग इन करना है और क्लास बिल्कुल फ्री है किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है ये दोनों क्लासेस के लिए तो एट पी और 9:30 थर्टी मेरी डेली दो क्लासेस फ्री क्लास इसकी टाइमिंग को जरा आप ध्यान रखेंगे ठीक तो है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ आज का सेशन मैं रिमाइंडर बीच में फिर से दे दूंगी आपको अपनी क्लासेस के लिए ठीक है बजे स्टैटिक जनरल साइंस उस इसका क्लास नाइन थर्टी सी ए का क्लास होगा तो साढ़े नौ बजे वाला जो क्लास है वो मेरा सी ए का होगा चलो गाइस तो जल्दी से सेशन को लाइक करो और शेयर कर दो फटाफट से इसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे इस यूट्यूब सेशन के बाद अन अकेडमी की फ्री क्लास के लिए क्लास का पीडीएफ आपको हमारे अन अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा स्टडीज आज कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलाेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज टंगस्टन का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है तो आपको बताना है क्यों करते हैं हम उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने की वजह से हाई लाइट एमिटिंग पावर होने की वजह से या हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने की वजह से विवेक ने आंसर दिया है ए डीएल स्टडीज का ए दीपक ए के साथ जीतू ए के साथ एब्सोल्युटली राइट हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही टंगस्टन का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में तो सेशन को जरा जल्दी-जल्दी से लाइक like एंड शेयर कर दो बेटा एन ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउज अस टू सी वेव्स प्रोड्यूस ऑसिलोस्कोप एक उपकरण है जो हमें किसके द्वारा उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। हेलो रेखा हाय मार्क लग गया इसका ये मतलब नहीं है कि ऑप्शन नंबर डी मैंने लगा दिया है तो आप डी के साथ जा रहे हो ठीक है तो जरा ध्यान से गुड इवनिंग राइट आंसर साउंड वेव्स नॉट अ गामा रेस ठीक है सो गाइस साउंड वेव्स के लिए यूज किया जाता है साउंड वेव्स ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ऑसिलोस्कोप का जो यूज किया जाता है वो ध्वनि तरंगों के लिए किया जाता है ना कि गामा रेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर इनर लाइनिंग ऑफ हॉट वाटर गीजर अप ऑफ कॉपर आपसे पूछ रहे हैं गर्म पानी का जो गीजर है उसका आंतरिक स्तर तांबे का क्यों बनाते हैं क्योंकि कॉपर हैज लो हीट स्पेसिफिसिटी कैपेसिटी कॉपर हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर में उच्च विद्युत चालकता होती है या कॉपर ऊष्मा और बिजली दोनों का सुचालक है या कॉपर भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है चलो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करो बहुत से लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर ही नहीं किया सी के साथ दीपक जीतू विवेक पुरुषंता मेघा आप बी के साथ है बट रेखा सौरभ ओके राइट आंसर है बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है रिफ्लेक्ट एवरी कलर हर रंग को प्रतिबिंबित करता है किसी भी रंग को प्रतिबिंबित नहीं करता रिफ्लेक्स ब्लैक कलर या एब्सॉर्व ब्लैक कलर ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है Hello, Deepak. Jaya, चलो अब जल्दी से, से सेशन को लाइक एंड शेयर भाई कर दो अब जब तक सेशन को लाइक like नहीं करोगे उसके बाद आगे नहीं बढ़ूंगी बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्विज तो कर रहे हैं बट सेशन को लाइक like करना भूल गए हैं तो प्लीज लाइक द सेशन फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द क्विज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है डी वाले महेंद्र बिल्कुल सही आंसर है दीपक आपका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि काले रंग को वो अवशोषित करता है ठीक है ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब करने की वजह से सेशन को लाइक करो जरा जल्दी जल्दी निम्नलिखित में से कौन सा रंग कांच को नीला रंग प्रदान करता है अगर हमें कांच में नीला रंग देना हो तो किसका उपयोग किया जाएगा आइए दिशा पहुंच गई हैं आप विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ब्लू कलर टू ग्लास ग्लास को ब्लू कलर इनमें से कौन देता है कोबाल्ट ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड या निकेल लोकेश आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड एप्सोलूटली राइट जी तो बिल्कुल सही आंसर है डीएल स्टडीज बिल्कुल सही है गाइस नीला रंग जो नीले रंग का कांच होता है ना उसमें हम लोग कोबाल्ट का उपयोग करते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है सौरभ सेन बिल्कुल सही आंसर है राइट। right. निम्नलिखित साधन में से कौन एक महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में उपयोग किया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबर्स्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं ऑडियोमीटर का गैलवेनोमीटर का सेक्सटेंट का या फिर सोनार का प्लीज लाइक द सेशन फर्स्ट गाइस डी के साथ जा रहे हैं सोनार एब्सोल्युटली राइट लोकेश बिल्कुल सही सौरभ बिल्कुल सही आंसर है इजी स्टडी बिल्कुल सही आंसर दिए है सोनार के साथ या पंडुबी के साथ हाँ हम्म मेघा बिल्कुल सही आंसर है गाइस सोनार सो so, इस टाइप से आप देख सकते हो ठीक है दिस इज़ आर हाइड्रोफोन इसमें यूज करते हैं यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है ठीक है सबसे पहले सोनार के सिग्नल्स जब पहुंचते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है ठीक है सो पता चलता है कि इस पॉइंट पर या इस जगह पर कोई चीज यहाँ पर है सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विद्रेजुएटेड आर सिक्सटी डिग्री एंडलाइट साइटिंग मैके Used for measuring the angular distance between the object and especially to taking at altitude in a navigation and surveying. तो मिली navigation या surveying के लिए इसका use करते हैं ठीक है थीके? कोई accidental case हो जाए तब उस समय ship का जो ruins है ये कहाँ पर है इस चीज का भी हम पता लगाने के लिए करते हैं ठीक है थीके? Next. Einstein was honored with Nobel Prize for Einstein को Nobel Prize से सम्मानित किया गया किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के लिए स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए या बहुत साइंसटीन स्टैटिस्टिक्स के लिए राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही यूज किया गया इनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया ठीक है एक मिनट डीएल स्टडीज का एक क्वेश्चन है यहां पर सोनार पूछ रहे हैं है ना दिस इज एक्चुअली ना शॉर्ट फॉर सोना ठीक है दिस इज अः साउंड नेविगेशन एंड ठीक है इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग नेविगेशन एंड रेंजिंग ठीक है यस शॉर्ट ऑफ साउंड कह सकते हो आप इसको अब हम ऐसे हमारे पास तो हम इसको शॉर्ट ऑफ साउंड कह देंगे हा शॉर्ट सॉरी शॉर्ट फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिंबायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन आपको बताना है ये जो सिंबायोटिक बैक्टीरिया है वो इनमें से किसमें मिलेगा मटर में गेहूं में मक्का में या फिर ओट्स में पीस वीट, कॉर्न या ओट्स राइट दलहनी पौधे जितने भी होते हैं ना चने मटर इस टाइप के बीन्स इनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो क्या करता है एटमोसफेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में और आ, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर उसको पौधों को प्रदान करता है प्लीज लाइक द सेशन जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए और मैक्सिमम लाइक्स कीजिए द कॉइल इन हीटर इज मेड ऑफ तो हीटर की जो कॉइल होती है वो निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है और कुछ मिल भी तो नहीं रहा दिशा आजकल राइट आंसर है नाइक्रोम सो so गाइस uh, हीटर की जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है नाम से ही पता चला है नाइक्रोम यानी निकेल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन है ये एक व्यक्ति के द्वारा जमीन पर डाला गया दाब सबसे अधिक कब होगा द प्रेशर एग्जॉटेड ऑन द ग्राउंड बाय अज ग्रेटेस्ट तो एक व्यक्ति के द्वारा जमीन पर डाला गया दाब सबसे ज्यादा कब होगा वेन ही लाइज डाउन द ग्राउंड जब वो जमीन पर लेट जाएगा जब वह पैर के पंजों पर खड़ा होगा या जब वह दोनों पैरों के साथ समतल खड़ा होगा या उपरोक्त सभी केसेस में दाब समान होगा दीपक का आंसर आया बी डीएल स्टडीज बी के साथ एब्सोलूटली राइट लोकेश बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बिल्कुल बात है लेस सरफेस एरिया तो प्रेशर ज्यादा तो जब वो पंजों के बल खड़ा होगा तो सरफेस एरिया कम रहेगा सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नता डी तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर यानी जितना लेस सरफेस एरिया होगा ना उतना ज्यादा प्रेशर होगा आप पंजों के बल खड़े होकर देख लो कितनी देर खड़े रह पाते हैं और अगर जमीन पर लेट जाएंगे तो आराम से सो जाएंगे ना तो खुद सोचिए तो सबसे अधिक कब होगा जब वो पंजों के बल होगा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है एन एसिड इज सब्सटेंस विच अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटोन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन इन वाटर हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर में या इनमें से सभी बातें ठीक है स्टडीज ऑप्शन नंबर डी 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 के 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 साथ के साथ G2, के साथ विवेक एब्सोल्युटली राइट गाइस बिल्कुल सही बात है प्रोटोन डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना और हाइड्रोजन आयन वाटर में दे देना ये विशेषता होती है अम्ल की सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लीज लाइक द सेशन गाइज फास्फोरस मुख्य रूप से कहां से निकाला जाता है फास्फोरस इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हां जी सैंड फर्टिलाइजर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विवेक ने आंसर दिया सी, जीतू आपका बिल्कुल सही है दीपक सी राइट आंसर इसी से निकाला जाता है फोरस एक्सट्रैक्ट किया जाता है दिस इज अ थ्री ओ एच पी ओ फोर का होल थ्राइस दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बोन एश ठीक है तो इसी से निकाला जाता है फास्फोरस। सेशन को जल्दी से लाइक कर दो बहुत से लोग अभी सेशन को लाइक करना ही भूल गए हेलो इमरान हाय नमस्ते नेक्स्ट नाइलॉन आपसे पूछ रहे हैं नाइलॉन किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलीन डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और नाइट्रिक एसिड हेग्जा मिथाइलीन और पिथालिक एसिड या इथाइलीन और एडिपिक एसिड नाइलॉन इनमें से किसके द्वारा तैयार किया जाता है राइट right आंसर है महेंद्र एडिपिक एसिड को हिंदी में भी तो आप एडिपिक एसिड ही पढ़ते

जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें नाइलॉन सिक्सटी सिक्स प्राप्त होता है सेशन को लाइक कर दो जरा जल्दी मिथाइलेटेड स्प्रेड जिसमें अनुमानित प्रतिशत नाइंटी परसेंट क्या होता है मिथाइलेटेड जो स्प्रिट होती है उसमें 90 परसेंट क्या होता है मिथाइल होता है मिथेनॉल होता है इथेनॉल होता है या प्रोपेनॉल होता है जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए दिमाग लगाओ थोड़ा सा इमरान का आंसर बिल्कुल सही आया सबसे पहले एकदम से जल्दी से आंसर आया इमरान राइट इथेनॉल होता है आप लोग नाम के हिसाब से जा रहे हो कि नाम है मिथाई लेटेड तो भैया मिथाइल होगा उसमें नो इट इज नॉट अ राइट आंसर उल्टा याद रखो मिथाइलेटेड में इथेनॉल होता है ठीक है सो दिस इज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एच सीओ एच यानी फॉर्मिक एसिड दिस इज अ फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड एसिड गाइस तो की प्रतिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है द रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद्रेटेड एस टू एसओ फोर गिवस राइस टू सीओ टू सीओ ऑ एसिड या एसिटिक एसिड केमिस्ट्री तो बिल्कुल मतलब रिएक्शंस तो याद करना चाहते ही नहीं है सब गलत है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेट्स सी मैं आपको बता देती हूं कि कैसे देखो एच सी ओ एच सी ओ एच जब हम इसकी रिएक्शन इसको रिएक्ट करते हैं ठीक है एच टू एसओ फोर के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तो सी ओ बनता है और एच टू ओ बनता है क्योंकि हम यहां पर कंसनट्रेटेड एच टू एसओ फोर को रिएक्ट नहीं करा रहे ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है इसलिए ठीक है तुम लोग इसको एच टू एसओ फोर को रिएक्टेंट के साथ ले रहे थे इसीलिए आप CO2 या ऑक्जालिक एसिड समथिंग बना रहे थे अब याद रखेंगे ये वाली जो रिएक्शन होती है इसमें फॉर्मिक एसिड सिर्फ टूटता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है चलो आगे सेशन को लाइक कर दो जल्दी जल्दी प्लीज लाइक द सेशन जिन्होंने सेशन को लाइक करना भूल गए निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की है आपको बताना है एक्सरे किसने डिस्कवर किया मैडम क्यूरी मैरी क्यूरी जे थॉमसन जे रोनसन यस जीतू दीपक सनोज एब्सोलूटली राइट डीएल स्टडीज बिल्कुल सही आंसर है आ, विवेक सी के साथ बिल्कुल सही आंसर है रोनसन ने किया था एक्सरे का खोज वॉट इज द यूज टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसका ईंधन को ठंडा करने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई स्पेस पे जो ईंधन उसमें यूज हो रहा है स्पेस क्राफ्ट में वो फ्रीज हो जाएगा तो उसको किसका यूज करते हैं कि वो फ्रीज नहीं हो बेंजीन का ग्लाइकोल का एसिटिलीन का या एस्टर का जल्दी से सेशन को लाइक करो और इस क्लास के जस्ट बाद बजे आप मुझे करेंगे दोनों फ्री क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि आप दो क्लास अन अकेडमी पर बिल्कुल फ्री करेंगे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे वो बिल्कुल सही है यहाँ पर

ग्लाइकोल का यूज होता है याद रखेंगे कार्नोटाइट इज एन ओर ऑफ आपको बताना है कार्नोटाइट किसका ओर है सेशन को लाइक करो जल्दी से कार्नोटाइट इज एन ओर ऑफ बेरिलियम क्रोमियम यूरेनियम या कॉपर क्लास करते करते आराम से खाना खाते रहिएगा चलो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो यस गाइस ऑप्शन नंबर सी इमरान बिल्कुल सही आंसर दिए हैं रविंद्र आपका आंसर सी बिल्कुल सही था लोकेश एब्सोल्युटली राइट right, बिल्कुल सही है ये यूरेनियम का ओर है गाइस कार्नेटाइट किसका ओर है यूरेनियम का सेशन को लाइक करो जरा जल्दी मेलाचाइट इज एन ओर ऑफ आपको बताना है ये जो मेलाचाइट है वो किसका ओर है मेलाचाइट लेड मैग्नीजियम मैंगनीज मरकरी या कॉपर कॉपर का ओर है बिल्कुल सही ये कॉपर का ओर है यस ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर मेला इज अ कॉपर ओर डीएल स्टडीज ने आंसर दिया प्रसन्नता बिल्कुल सही आंसर है एब्सोल्युटली राइट हेलो राजीव हाय या डैश फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट बुलेट प्रूफ वेस्ट यानी कपड़े बनाने में किस फाइबर का यूज होता है नाइलॉन सिक्सटी सिक्सिन या टेक्सान, सॉरी आपसे पूछ रहे हैं कि बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में किसका उपयोग होता है राइट रविंद्र बिल्कुल सही आंसर है आपका दीपक बिल्कुल सही आंसर दिए हैं का का यूज होता है गाइस तो तो जो बुलेट प्रूफ जब वेस्ट बनाते हैं तो उसमें उपयोग होता है तो याद रखेंगे जिनको नहीं पता बहुत बार रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि कैवलर का यूज किस में होता है बुलेट प्रूफ जो वेस्ट बनाने में होता है तो सेशन को जल्दी से लाइक करो गाइस दिस इज अवलर ठीक है लेयर ऑफ द सील टूगेदर इन टू वेस्ट शेप्ड शीट तो इसको कपड़ों की अंदर एक शीट फॉर्म में लगा दिया जाता है जिससे कि जो आपके ये बुलेट प्रूफ बन जाते हैं वो ड्रेस ठीक है so आज के क्वेश्चन यहीं पर नेक्स्ट अभी हम, मेरा जो कल का क्लास है वो साढ़े सात बजे आपको फिर से मिलेगा सेम टाइम एंड सेम चैनल सो ये एक न्यू आपके लिए इंफॉर्मेशन है सो ज्वाइन अस फॉर आर फ्री क्लासेस डेली टू क्लासेस ऑन अन अकेडमी एट पी एम एंड नाइन थर्टी पी एम तो ये दोनों मेरा पर है। बस आपको करना ये है, फ्री है।, कोई की पर नहीं है। सिर्फ और का मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से मुझे ज्वाइन कीजिएगा आठ बजे अन अकेडमी क्लास पर ठीक है सेशन को क्लास के बाद प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा तो प्लीज लाइक द सेशन फर्स्ट ठीक है मैं लिंक प्रोवाइड आपको यहाँ पे कर रही हूँ तो आप इस लिंक के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं गाइज so मैंने आ, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया है तो ये लिंक के थ्रू आप अन अकेडमी बस डाउनलोड कीजिए और जो लिंक मैंने अभी आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड किया है उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा 8 पीएम पर उसके बाद 9:30 थर्टी पीएम मेरा एक और फ्री क्लास तो टेक केयर गाइज गुड नाइट कल फिर से मिलेंगे साढ़े बजे अपने यूट्यूब सेशन पर